हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जून 2014 का पेपर लाई हूँ और इस पेपर में हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका एंशियंट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी सीरीज़ 9 ही है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास और मॉडर्न भी मैं अपलोड करूँगी। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरी सीरीज़ देखिए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, अभी कथन पढ़ लेते हैं। ए है, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित होने लगी हो गई थी। ये तो करेक्ट है। और तर्क दे रहा है, संतन काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ, ये भी सही है, लेकिन आप देख सकते हैं आपस में कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुम्हारा जो आंसर बनेगा ए आर दोनों सही है और उसका व्याख्या नहीं दे रहा है, यानी बी नंबर इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, यह किसका कथन है कि दिल्ली के जागीर एवं संगत राश समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? तो अधिक उत्तम है यह कहा था अमीर खुसरो, ए होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संतनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो यह करता था प्रशासनिक देखभाल RHA मुमालिक, यानी डी नंबर करेक्ट होगा, RHA मुमालिक। फिर है क्वेश्चन नंबर 1919, देश में अधिकांशता अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन है अब्दुल रज्जाक का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्वों का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है? तो यह किसका कथन है? यह कथन है इसामी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और इसमें नीचे दिया है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। नीचे दिए गए कोट के सहायता से हमको सही उत्तर चुनना है, यानी हमको सही कथन पहचानना है इसमें। तो चलिए देखते हैं, शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की, ये गलत है। फिर कुछ टू नंबर, प्रशासन में हिंदी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यावहारिक ज्ञान का उद्योतक है, ये करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया, ये भी सही है, कठोरता से लागू किया था। शेरशाह ने सोने के सिक्के का चलन समाप्त कर दिया, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर वो होगा 2 और 3। नीचे हम देख लेते हैं, नीचे 2 और 3 ये रहा, बी वाला करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्न लिखित को सही काल क्रम में रखकर कूट दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का को चिन्हित करिए। तो हमें इसका क्रम लगाना है एक तरह से, तो चलिए लगा लेते हैं। सबसे पहले हुआ इसमें खानवा का युद्ध, फिर दूसरे नंबर पर चौसा का, और तीसरे नंबर पर धर्मत का, और लास्ट में पाल खेड़ का युद्ध, ये रहा नंबर 4। सबसे पहले खानवा, फिर चौसा, फिर धर्मत का, फिर पालखेड़ का युद्ध। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई पूछ रहा है। तो इसमें तारीख़ फरिश्ता
नहीं की गई, बाकी सभी की गई है। हुमायूं नामा भी किया गया, तारीख़े शेरशाही भी हुआ और तबकाते अकबरी भी हुआ। जो नहीं हुआ वह है तारीख़े फरिश्ता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूर जहाँ के संबंधियों और जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो यह लिखा था मुतमिद खान ने। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमें सही कथन पहचानना है। मुगल कालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था। गलत है, ये तो गलत है। फिर बी है, मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था, ये भी गलत है। फिर है सी नंबर, ईरानी तुरानी शेख ज़्यादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था, ये भी गलत है। और डी है, वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे उन्हें खान ज़्यादा कहा जाता था, ये करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो डी नंबर बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही करेक्ट है, बाकी सभी गलत हैं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। फ्रेंको बर्नियर हो जाएंगे यहाँ पे फोर नंबर से। एक फ्रांसीसी चिकित्सक और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया तथा जिसकी यह मान्यता थी कि भारत में शासक ही समस्त भूमि का स्वामी है। फिर ट्रेवर्नियर हो जाएंगे यहाँ पर। एक फ्रांसीसी यात्री जो व्यवसाय से जौहरी था और शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। पोल शर्ट हो जाएंगे यहाँ पर वन नंबर से। एक डच यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। राफिच हो जाएंगे, एक ही बचा है, तो ये हो जाएंगे राफिच, ये थर्ड नंबर से। एक अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में भारत आया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा ए वाला। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इजारा इजारा को हम कहाँ सुमेलित करेंगे? इजारा सुमेलित हो जाएगा टू नंबर से। लगान के को ठेके पर, एक मिनट, हाँ, लगान को ठेके पर देने की प्रथा से हो जाएगा। फिर हासिल हो जाएगा यहाँ फोर नंबर पे। मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली से। गल्ला बख्शी हो जाएगा यहाँ वन नंबर से। भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रीकरण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका। फिर नाबूत हो जाएगा, एक ही बचा है, थर्ड नंबर से। वह क्षेत्र जहाँ फसल खराब हो गई हो उसे नाबूत कहा जाता था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासनकाल अलंकृत नहीं था, ये गलत है। और आर कहता है, वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था, ये करेक्ट है। तो जो हमारा इसमें आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए गलत है, ए सही नहीं है, आर सही है, ये वाला हो जाएगा डी वाला। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है वह अच्छी थी अथवा बुरी थी यह दूसरी बात है, उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन है J.F. रिचर्डसन का, ए नंबर करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों के नाम दिए गए हैं और विभाग के अध्यक्ष का पद दिया हुआ है, तो चलिए हम इसे सुमेलित कर लेते हैं।
सबसे पहले है राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग, तो यह विभाग था मंत्री। एक मिनट, ये हो जाएगा मंत्री से। फिर विदेशी मामलों से संबंधित विभाग, यह विभाग था सुमंत। फिर शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग, ये हो जाएगा शाही पत्र विभाग, ये हो जाएगा सचिव से यहाँ पे। और वित्त विभाग अमात्य। तो इसके अकॉर्डिंग आप नीचे मैच कर लीजिए, बी होगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। अभिकथन है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन। एक मिनट, अभिकथन है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए निर्बल राजनीतिज्ञ अयोग्य सेना नायक उत्तरदायी थे। ये गलत है। नीचे देखते हैं, नीचे आर कहता है इस काल के मुगल राजनीतिज्ञ और अमीर अपने स्वार्थ की पूर्ति में व्यस्त रहते थे, उन्हें साम्राज्य की निर्यात में कोई रुचि नहीं थी। तो इसमें जो हो जाएगा, ये तो सही है, इसमें ये सही होगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो ए गलत और आर सही। नीचे देख लेते हैं, ए गलत है और आर सही, ये डी वाला होगा। ये यहाँ पर एंशियंट के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आगे नहीं, ये मिडविल के क्वेश्चन थे, मिडविल के क्वेश्चन यहीं फिनिश होते हैं। आगे अब मैं मॉडर्न के क्वेश्चन लाऊंगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आगे मैं इसका सीरीज 9 में ही मॉडर्न का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।